एकदम सही पोनिया, अब आखिरी सवाल। तो चलो बताओ, ये खा सकते हैं या नहीं? नहीं खा सकते। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी पोनिया, तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हो। क्या? ओह बम्बू, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू बलू, मैंने आज तक इससे अच्छा बम्बू नहीं देखा। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ठंडी गुफा से। जंगल में सबसे अच्छे बम्बू वहीं लगे हैं। ओह नहीं 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 नहीं, वहाँ जाने के बारे में सोचना भी मत। वहाँ भले ही सबसे अच्छे बम्बू मिलते हो, पर वो ठंडी गुफा खतरनाक इलाका है। मुझसे वादा करो, तुम ठंडी गुफा के खंडरों में कभी नहीं जाओगी। ठीक है बलू, मैं वादा करती हूँ वहाँ नहीं जाऊंगी। तुम वहाँ क्यों बैठे हो मोगली? एक अच्छे स्टूडेंट को अपने टीचर की बात माननी चाहिए ना। अरे वाह, इंसानी बच्चा अपने ही दोस्तों से खफा है, फंदा फेंका जा सकता है। शेरखान, शेरखान, मैंने मोगली को फंसाने का तरीका ढूंढ लिया। सच में बड़े दिनों बाद अच्छी खबर लाए हो। तो इस काम को अंजाम भी दे दूं? हाँ हाँ हाँ, जरूर दे दो पर खुरदार। ओह शुक्रिया, ये मेरे लिए एक जंग होगी। वादा करता हूँ इसे जीत कर ही आऊंगा। अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो जिंदगी भर तुम्हें हड्डियाँ खिलाऊंगा। सच्ची कह रहे हो ना? और क्या, पर अगर नाकामयाब। अरे नहीं शेर खान, ऐसा बोलो भी मत। शाम को मुझे बरगद के पेड़ के नीचे मिलने आना, फिर देखना, वहाँ तुम्हें ये नाचीज देगा मोगली की लजीज दावत। पोनिया, तुम सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो। टीचर की चमची। हाँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? ओ मोगली, मैंने सुना है बलू की एक नई स्टूडेंट आई है। ओ कितने दुख की बात है, और बेइज्जती भी। एक टीचर को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही हो, बलू गलत है। मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। ओ सही कहा मोगली, अगर किसी को कुछ सीखने की जरूरत है तो वो है बलू, तुम्हें नहीं। सच कह रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं मदद करूँ। तुम करोगे, पर कैसे? यही रहना, छुप के रहना, हिलना मत। ठीक है, पर क्यों? सवाल मत पूछो, बस मेरा इंतजार करो। इसमें तो मजा आ गया। ओह हेलो पोनिया, ये बम्बू तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे भी खाने दो ना। ओहो, बिना खाए तो तुम बहुत ही मरियल हो गई हो। हाँ, बात तो सही है, पर दुख के दिन बीत गए। मैं तुम्हें आज जंगल के सबसे टेस्टी बम्बू खिलाता हूँ। कहीं वो ठंडी गुफा में तो नहीं है, क्योंकि बलू ने कहा है वहाँ मत जाना। बलू ने बिल्कुल सही कहा है। देखो वो बम्बू है तो ठंडी गुफा में, पर वहाँ बिना जाए उसे हासिल किया जा सकता है। सच्ची? हाँ, मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। तुमने कहीं पोनिया को देखा? वो आज दिन में मेरे पास आने वाली थी। और मोगली भी तो नजर नहीं आ रहा है। ये मेरी ही गलती है, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। मुझे पोनिया को बेस्ट स्टूडेंट नहीं कहना चाहिए था। मोगली भी बेस्ट है, पर अलग तरह से है। कहीं वो दोनों एक साथ? हमें उन्हें ढूंढना होगा बघीरा, चलो। पोनिया ने तो वादा किया था वो यहाँ नहीं आएगी। क्यों ना बल्लू को इस बारे में बताया जाए, क्या कहते हो? जिसे वो बेस्ट स्टूडेंट कहता है, सामने देखो वो उसी को धोखा दे रही है। यही मौका है, बल्लू के पास जाओ और चौका मार दो यार। पर पोनिया का क्या होगा, उसकी चुगली करना ठीक नहीं है टबा की। पर बल्लू ने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था ना। वैसे भी तुम कोई टेंशन मत लो, इस चमची को कुछ पता ही नहीं चलेगा। सही कहा, मैं अभी जाता हूँ। पोनिया, तुम ठीक हो? नहीं मोगली, नहीं नहीं, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। जाना पड़ेगा, सोचो। नहीं 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 नहीं, नहीं। अंदर मत जाना, मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। ओहो नहीं मेहमान। अरे ये तो छुटकी है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़।
पोनिया इसी रास्ते से गई है और अभी अभी गई है। ओ नहीं, मैंने उसे ठंडी गुफा जाने से मना किया था, कहीं वो वहीं तो नहीं गई। हमें देखना चाहिए, चलो चलते हैं। चलो इसे कीचड़ में नहलाते हैं। कोई मदद करो। ओ शेर खान को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब तो तू गया तबाकी। शेर खान कहीं मुझे ही ना खा जाए। तबाकी। पोनी और मोगली को तुमने कहीं देखा क्या? हाँ हाँ देखा ना, थोड़ी देर पहले ही देखा था दोनों को, बंबू तोड़ रहे थे और खाने के लिए झरने की तरफ गए थे। एक बार को तो मैं डर ही गया था। कोई तो पकड़ो उसे। अंदर करो, अंदर करो। ये इंसानी बच्चा उस पांडा को बचा रहा था, यानी वो बड़े काम की चीज है। इन पर कड़ी नजर रखना। मैंने फंसाया या अकल से पैदल बंदरों ने, बात तो एक ही है, दुश्मन फंस गया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दो मोगली। ये तुम्हारी गलती नहीं है, खैर जो भी है, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं गिर गई थी, चोट लगी है। अरे हाँ, लेट जाओ और बहुत दर्द होने का नाटक करो। खोलो, खोलो, मदद करो प्लीज, पोनिया को चोट लगी है। अच्छा तो इलाज कर दो। मैं कैसे करूं? प्लीज खोलो ना, ये बहुत काम की चीज है ना, इसकी जान बचानी जरूरी है। जल्दी आओ, बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। चलो मेरे पीछे आओ। शेर खान, अच्छी खबर है ना? और नहीं तो क्या, खाना लग चुका है। वो दोनों यहाँ आए ही नहीं, तबाकी से जरूर गलती हुई होगी या फिर झूठ बोला होगा। चलो बघीरा, ठंडी गुफा की ओर। अरे नहीं, देखो अब यहाँ कौन आ गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उस टपाकी पे भरोसा किया। मेरी भी गलती है। हाँ पर हमारी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ अंदर है। यहाँ तो उसका भूत भी नजर नहीं आ रहा। पर वो यही थे। हाँ तू फिर नाकामयाब रहा तबा। बहुत अच्छे पार्टनर। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ कहना है। मुझे भी। और मुझे भी। डिनर तो मैं करके रहूंगा, भागता कहाँ है टबाकी। टबाकी।
क्या बात है नन्ही दोस्तों, तुम्हें अभी भी अपने दोस्त मोगली से डर लग रहा है? मोगली, बलू की क्लास शुरू होने वाली है। हाँ हाँ होने दो। तुम नहीं जाओगे तो बलू किसे पढ़ाएगा? बगीरा आज लेसन लेने का मन नहीं है। क्यों ना तुम बलू की क्लास ले लो, उसे एक मुश्किल सा सवाल पूछ लो, ऐसा सवाल जिसका वो घंटों सोचने पर भी जवाब ना दे पाए, और जब वो जवाब सोचने में खोया होगा तुम खेलने निकल जाना। ओए होए, क्या आइडिया दिया है बगीरा। देखो मोगली, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंसान दुनिया का सबसे अकलमंद जीव है। कब पूछोगे मोगली? एक सवाल पूछूं बलू? बोलो। ये बताओ, नारियल के पेड़ में आज तक कुल मिलाकर कितने नारियल लगे होंगे? 200। शायद ये आसान था मोगली। बलू, सबसे लंबे मेल जिराफ की हाइट कितनी होगी? 6 मीटर या 20 फुट, अब तुम जिसमें भी नापना चाहो। अरे यार, कोई मुश्किल सा सवाल पूछो ना। अच्छा, अब ये बताओ, एक पाइथन एक बार में कितने बंदर निकल सकता है? ये जबरदस्त सवाल पूछा तुमने। बहुत खूब। देखो, आम तौर पे एक पाइथन 5 मीटर लंबा होता है और एक बंदर की ऊंचाई तकरीबन 0.5 मीटर होती है, तो अंदाजा लगा लो कि ताकि यहाँ से खिसकने का बहाना मिले। क्यों ना इस सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढ कर आऊं बलू। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने कहाँ जाओगे मोगली? अब मैं जिस पाइथन को जानता हूँ उसी से पूछूंगा ना। हाँ, अब अगर मैं दरियाई घोड़े का हिसाब लगाऊं तो उसके पेट में 6 बंदर आराम से आ जाते हैं, और एक पाइथन के पेट में गुड मॉर्निंग का पर मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। ओ, समझ सकता हूँ, केचुली बदलने में दर्द होता होगा ना। खुजली कर करके खुजुमल बन गया हो। कब बंद होगी ये खुजली? का पता है तुम बिजी हो, पर ये बताओ एक बार में कोई पाइथन कितने बंदर निकल सकता है? खुजली से कम परेशान हो जो तू चला आया इंसानी बच्चे। ओ, बता भी दो का, तुम एक पाइथन हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। मुझे तो सब कुछ पता है समझे, बस अभी फालतू की बात करने का मूड नहीं है। अगर जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी खुजली कर सकता हूँ। दफा हो जा। का तो खुजली से परेशान था। वही तो, लगता है तुम गलत वक्त पर पहुँच गए। क्यों ना जंगल के बंदरों से ये सवाल पूछ लिया जाए। तुम्हें उन बंदरों के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है मोगली। उनसे डरने की क्या जरूरत है, वो तो शेर खान के नाखून के बराबर भी खतरनाक नहीं है। वो बंदर बहुत ही शैतान है, वो तुम्हें किसी भी तरह परेशान करेंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है बगीरा, तुम जैसा कहो। तो ठीक है, मैं बलू के पास जाता हूँ। हाँ, उसी से पूछ लो मोगली। बाद में मिलते हैं बगीरा। मुश्किल सवाल है क्या? डार्जी, मुश्किल? मेरा तो सिर चकरा रहा है। मोगली कहाँ है? वो तो इसी सवाल का जवाब पूछने का से मिलने गया है, पर उसे गए काफी वक्त हो गया। का? वो तो आज केंचुली निकाल रहा है। सच में? फिर तो मुझे मोगली को ढूंढने जाना ही चाहिए। इंसानी बच्चा आ रहा है। खिंचाई करें उसकी। हाँ हाँ, पकड़ लेते हैं। बहुत दिनों बाद हाथ आया। मैं तो यहाँ सिर्फ बगीरा सही कह रहा था, मुझे तुम बंदरों से दूर ही रहना चाहिए था। हमारे साथ आओ मोगली, तुम्हें कुछ दिखाना। अच्छा ये तो बता दो, एक बार में एक पाइथन कितने बंदरों को निकल सकता है? तो सुनो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का सही जवाब मिलेगा इस कमरे में। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल इतना भी जरूरी नहीं कि मैं अंदर जाऊं। अगर तुम लोग नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। एक बंदर इंसान से ज्यादा समझदार होता है। मुझे बाहर आने दो। तुम समझदार नहीं, तुम सब धोखेबाज बंदर हो। तमीज नाम की तो कोई चीज नहीं है तुम में। चलो बताओ,
इस इंसान के बच्चे को कितने दिन बंद रखना चाहिए? मेरे ख्याल से 2 दिन। अरे नहीं, इतने दिन नहीं, मैं तो बोर हो जाऊंगा। या हो सकता है इस मोगली की आवाज सुन के कान पक जाए। बंद हो गए बरखुरदार, वो भी अकेले। अच्छा मौका है शेर खान। आज सब मुझे ही परेशान क्यों कर रहे हैं? पहले मोगली आया, अब तुम आए। अच्छा तो मोगली आया था ना, तो तुमने उसे सवाल का जवाब दिया का? मोर नहीं था, इसीलिए भगा दिया उसे। ये तो बहुत गलत किया का, वो पूरे दिन से गायब है। तो मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्या उसकी माँ हूँ? सुनो बलू, मैंने अभी अभी बगीरा को पुराने खंडरों के पास देखा, वो भी मोगली को ढूंढ रहा था। अब देखना, कहेंगे सब मेरी गलती है। शेरखान कहां तक भागेगा चूसे, खाऊंगा तेरे सारे पुर्जे। कुछ तो सोचो, आखिर मोगली कहां जा सकता है बघीरा? उसने मुझसे कहा वो यहीं वापस आएगा। वो दिन भर से गायब है, आखिरी बार उसे का की गुफा में देखा गया था। हा? मुझे नहीं लगता वो वहां, कहीं उन्होंने उसे। किन्होंने? किसे? ये क्या बड़बड़ा रहे हो बघीरा? मोगली ने कहा था वो बंदरों से पूछेगा, और मैंने उसे जाने से मना भी किया था। अगर वो इंसानी बच्चा सच में उन बंदरों के इलाके में गया है तो उसकी मदद करनी होगी। पहले तो तुमने उसे धुतकार दिया था ना का? अब मदद चाहते हो या नहीं? तुम ही ये कर सकते हो का? तो अब समय बर्बाद मत करो। आज इन बंदर और शेर खान के बीच तो मैं बुरी तरह फंस गया। बस एक ही तरीका है, कोशिश करके देख मोगली। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, और ना ही वो बंदर। देखो शेरखान ने उसे कहाँ पहुंचा दिया। हेलो बंदरों, इस बार बचने के लिए न आग है न पानी। शुक्रिया का। मेरा खाना मेरे हवाले कर बदबूदार सांप। आगे बढ़ने से पहले मुझसे निपटना होगा, आ जाओ। और मुझसे भी शेर खान। हर बार मेरे मंसूबों पर पानी फेर देते हो। वो दिन जरूर आएगा जब वो मेरा होगा। एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई दोस्तों। मैंने मना किया था ना मोगली। माफ करना बघीरा, अब पता चला तुम यहाँ आने के लिए मना क्यों कर रहे थे। तो बलू बताओ, मैंने तुमसे कौन सा सवाल पूछा था? वो तुमने पूछा था कि एक बार में पाइथन कितने बंदर निगल जाता है। जवाब है पाइथन को जितनी भूख लगी होगी।